بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टू अनदर इंटरेस्टिंग लेसन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर फोर्थ क्लास. यस्टरडे वी कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1 एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट वाज स्पीकिंग द ट्रूथ. द मेन मैसेज दैट वी लर्नड इन दिस चैप्टर वाज ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज. सच्चाई तमाम नेकियों की बुनियाद है. अगर आप सच्चे हो तो आप नेकी की राह पे आसानी से चल सकते हो. अगर आप में झूठ बोलने की आदत है तो आप गलत राह पे किसी भी वक्त चल पड़ सकते हो. ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्च्यूज. ओके, यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी जो हमने कल पढ़ा उसके बारे में. सो हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स. हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स. इस्लाम अपने पैरोकारों को कैसे गाइड करता है? अच्छा, यहाँ आपके जहन में काफ़ी सारे जवाब आ रहे होंगे. एक तो ये है कि इस्लाम गाइड्स इट्स फॉलोअर थ्रू द प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स. ठीक है, जो पैगंबर आते हैं, नबी या रसूल आते हैं, उनके थ्रू वो अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है. दूसरा जो जवाब आपके जहन में आ सकता है वो ये हो सकता है कि इस्लाम गाइड इस फॉलोअर थ्रू इस टीचिंग. ठीक है, तो जो इसकी तालीमात है तो टीचिंग ऑफ इस्लाम के थ्रू अपने जो फॉलोअर्स को इस्लाम गाइड करता है. ठीक है, ओके. इस चैप्टर में कल हमने एक वाक़या पढ़ा था जिसमें एक आदमी ने बताया कि मेरी काफ़ी बुरी आदत है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बुरी आदत को पहले गिव अप करने का कहा? वेरी गुड, टेलिंग लाइज की जो बैड हैबिट थी उसको पहले गिव अप करने का कहा, और ऑटोमेटिकली उस बंदे में इतनी बेहतरी आ गई कि उसने सारी बैड हैबिट्स कुछ ही दिनों में गिव अप कर दी. ठीक है, गिव अप का मतलब है स्टॉप डूइंग. ओके, सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर के एंड में हमें दी हुई है वो है वर्ड्स मीनिंग्स, यानी आपके लिए न्यू वोकैबलरी है. ठीक है, इस वोकैबलरी में आपको बताया गया पॉपुलैरिटी. फर्स्ट वर्ड है पॉपुलैरिटी. शोहरत को कहते हैं फेम, मशहूर होने को पॉपुलैरिटी कहते हैं. ठीक है, शोहरत, फेम, फेम, इसको फैम नहीं कहना आप लोगों ने, फेम है, फेम. Adopt, adopt, choose to follow, adopt अपनाने को कहते हैं, adopt अपनाना, choose to follow. Condemn, blame, condemn मुज़म्मत करना, बुरा भला कहना. ठीक है, आपको बताया था उस वाक़े में कि जब उस आदमी ने सोचा कि मैं शराब पी लूँ और जब लोगों को पता चलेगा कि शराब पी है तो वो मुझे कंडेम करेंगे. ठीक है, वो मुझे बुरा भला कहेंगे. नेक्स्ट है स्टील, टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन ऑफ समवन. किसी की चीज़ बगैर परमिशन के लेने को स्टीलिंग कहते हैं. ठीक है, स्टील. हेवन, हेवन पैराडाइज, जन्नत को कहते हैं, हेवन पैराडाइज, हेवन पैराडाइज. डिस्पाइज, डिस्पाइज हेट, नफरत करना, डिस्पाइज नफरत करना, डिसलाइक नापसंद करना. ओके, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस का मतलब है क्वालिटी ऑफ नॉट टेलिंग लाइज. झूठ ना बोलने को ट्रूथफुलनेस कहते हैं, झूठ ना बोलने को ट्रूथफुलनेस कहते हैं. नाउ लुक एट पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं. आपको एक सेंटेंस दिया है और उसके लिए 4 पॉसिबल आंसर्स भी आपको साथ में बताए हुए हैं. उनमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा वो आप चूज़ करेंगे. पहला सेंटेंस मैं पढ़ने वाली हूँ. पहला सेंटेंस है हमारे पास, इस्लामिक टीचिंग्स लीड आवर लाइव्स टूवर्ड्स. अब इस्लामिक तालीमात जो है वो हमारी लाइफ किधर ले जाती है, किस तरफ को ले जाती है? फ्रीडम, आज़ादी की तरफ. नॉलेज, इलम की तरफ. एडवेंचर, चैलेंजेस की तरफ. और पीस, अमन की तरफ. ठीक है,
तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? फ्रीडम, नॉलेज, एडवेंचर, पीस। फ्रीडम, नॉलेज, एडवेंचर, पीस। वेरी गुड, पीस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट आंसर के लिए आप क्या करेंगे, इस सर्कल को पूरा कलर कर देंगे पेंसिल से, आप इसको ब्लैक कर सकते हैं। द फ्रेंड्स ऑफ डैश फॉलो हिम, द फ्रेंड्स ऑफ डैश फॉलो हिम। ठीक है, फॉलो हिम बात मानते हैं या उसकी पैरवी करते हैं, जो भी है। फ्रेंड्स ऑफ अ ट्रू पर्सन, फ्रेंड्स ऑफ अ थीफ, फ्रेंड्स ऑफ अ लायर, फ्रेंड्स ऑफ अ ड्राइवर। सच्चे इंसान के फ्रेंड्स, या चोर के फ्रेंड्स, या झूठे इंसान के फ्रेंड्स, या ड्राइवर के। वेरी गुड, ट्रू पर्सन। ओके, द बैकबोन ऑफ अ पीसफुल एंड ऑनेस्ट सोसाइटी इज, मतलब बैकबोन भी फाउंडेशन को कहते हैं, बुनियाद को कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम काम कर सकता है। तो द बैकबोन ऑफ अ पीसफुल एंड ऑनेस्ट सोसाइटी इज, किसी भी पुरअमन और ईमानदार सोसाइटी के लिए क्या होना ज़रूरी है उनके पास? नॉलेज, इलम, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, पीस, अमन, फ्रीडम, आज़ादी। वेरी गुड, ट्रूथफुलनेस। सच्चाई होगी तो लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सच तो लाजमन आखिर में सामने आके ही रहता है। तो लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आगे अमन ही रहेगा, ठीक है। तो पीसफुल और ऑनेस्ट सोसाइटी के लिए ट्रूथफुलनेस का होना ज़रूरी है। द मैन लेफ्ट डैश ऑन द एडवाइस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत की थी, क्या छोड़ने का कहा था, क्या गिव अप करने का कहा था? स्टीलिंग, चोरी का कहा था, प्लेइंग, टेलिंग लाइज, या चीटिंग। वेरी गुड, ये बहुत ईजी था, ये सबके लिए बहुत ईजी था। टेलिंग लाइज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द लास्ट वन इज, अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट ब्रेक वुड, डोर, ग्लास, या प्रोमिसज। अच्छा, मुस्लिम की बात है तो फिर तो वुड, डोर और ग्लास का तो कुछ नहीं है, यहाँ प्रोमिस की बात है तो प्रोमिस ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का जो आपका होमवर्क है वो वर्ड्स मीनिंग्स है, फ्रॉम पेज नंबर 6। आपने पेज नंबर 6 से वर्ड्स मीनिंग्स को याद भी करना है और साथ में आपने इनको नीट कॉपी में लिखना भी है, ठीक है। कोशिश करिए कि पहले सारे वर्ड्स एक तरफ से लिख लें और फिर आप उनको याद करने के बाद उनके मीनिंग्स लिखें और फिर चेक करें कि आपने करेक्ट मीनिंग्स लिखे हैं या नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लर्न्ड एंड एन्जॉयड। Wish you best of luck. Allah Hafiz. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.